कांग्रेस चितरंगी ने महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें, विधानसभा चितरंगी ही में जहां तहसील मुख्यालय चितरंगी के सामने किसान कांग्रेस कमेटी चितरंगी में जिले के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, TMF राशि, छात्रवृत्ति, पशु टीकाकरण, वन रजिस्ट्री, न्यायालय संचालन सहित कई समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए 21 मांगों पर महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम उपखंड अधिकारी चितरंगी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए चितरंगी विधानसभा अंतर्गत लोगों को होने वाली समस्याओं को गिनाते हुए निदान के संबंध में भी प्रकाश डाला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव सोमदेव ब्रह्म, जिला अध्यक्ष कामिन सिंह रौली, ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य कमलेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कांग्रेस किसान अध्यक्ष अशोक सिंह, पैगाम लल्लाराम पांडे आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। चितरंगी है, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, जो भी ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जो बिंदु आपके अधीनस्थ है, उसके लिए आप क्या संज्ञान लेंगे सर? ये किसान कांग्रेस सिंगरौली के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से। ये 21 सूत्री ज्ञापन है, इसको द्वारा उचित माध्यम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इसको राज्यपाल महोदय को इससे अवगत कराया जाएगा और इससे संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ अपने तहसील स्तर से या जिला स्तर से हैं उनका तत्काल निराकरण करते हुए और इसकी आप सभी पर इस पर कार्रवाई करते हुए इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी मांगों जो है वो अपने जो इनका यथोचित क्रियान्वयन है उस तक पहुँचे। सर, इसके पहले जो एक सप्ताह पहले फिर धरना प्रदर्शन करके कुछ ज्ञापन पत्र दिए थे, वो 7 बिंदुओं पर ज्ञापन पत्र था, उसमें बोला भी गया था कि जो भी कुछ पानी के संबंध में अन्य कोई समस्या है प्रयास किया जाएगा, अभी तक क्या कदम रहा सर? पानी के संबंध में हमारे लगातार जो है खनन करने वाले बोरवेल्स भी हैं, लोगों को अनुमतियों की भी गति बढ़ा दी गई है और उनके बोरवेल्स के खनन भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे मैकेनिक्स हैं वो अपनी पूरी क्षमता से मशीनों ये हैंडपम्प्स के सुधार में लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महामहिम राज्यपाल महोदय को कई सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है और माननीय तहसीलदार साहब से ये बात रखी गई है, जो पानी का संकट है, हमारे समाज के लोग नदी नाले का, झरने का पानी पीते हैं, चौड़ा का पानी पीते हैं, बरसात समय लाल पानी पीते हैं, इसलिए कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो गया और कम आयु में मौत हो जाती है। इसलिए मैं प्रशासन से चाहता हूं, जहां पर आदिवासी अंचल है, जहां के नदी और नाले, झरना या चौड़ा का पानी पीते हैं, वहां पर तत्काल हैंडपम्प खनन कराया जाए। जी, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि स्वास्थ्य, आपके बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और वर्तमान में ये बरसात का महीना आ चुका है और चितरंगी पूरा क्षेत्र जंगली क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जो सर्प भी हैं वो भी जहरीले माने जाते हैं, तो हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए आप लोगों ने क्या निगरानी की, क्या देख रेख करेंगे? मैं प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करूँगा कि चितरंगी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे जहरीले सर्प चितरंगी में पाया जाता है और बिजली न होने के कारण कई आदिवासियों की मौत हो जा रही है। जिन गांवों में बिजली पहुंची भी है, खम्मा में तार नहीं लगा हुआ है, जैसे झरकटा में 15 साल से ऊपर हो गया, ट्रांसफार्मर लगा है, खम्भे गाड़े गए हैं लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया है। उस तरह से सिधरी में, कतिरहार में, बड़गढ़ में, गिर में, बढ़नई में, बहुत सारे गांवों में खंभा लगा दिया गया है लेकिन वहां पर तार न खींचा गया, न ट्रांसफार्मर चालू किया गया, न कनेक्शन घरों में दिए गए, आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल बीमा मत से जो राशि स्वीकृत हुई है चितरंगी विधानसभा के लिए विद्युतीकरण के लिए, तत्काल उस राशि का उपयोग किया जाए और गांव-गांव में बिजली पहुंचाए। एक सप्ताह पूर्व आप लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया था और फिर लगातार एक सप्ताह के अंदर आपने दूसरा ज्ञापन पत्र दिया है, उस बिंदु और इस बिंदु में क्या अंतर है, क्या कंपेयर करेंगे? उस बिंदु और इस बिंदु में अंतर ये है कि उस दिन हम लोग एक मांग को लेकर ज्ञापन दिए थे, वो थे पानी की समस्या के लिए इनको बताया गया था। गाड़ियाँ आए भी, कुछ हैंडपम्प हुए हैं, आज भी तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ अभी क्षेत्र में चल रही हैं, अब हम लोग भी परीक्षण कराएंगे कि यहाँ समस्या थी वहाँ गाड़ी पहुँची है कि नहीं पहुँची है, यदि नहीं पहुँची है तो आज अब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर हम करेंगे। अच्छा, जितनी भी मांगे हैं इन मांगों में से यदि आपकी मांगों को समय अनुसार पूरा नहीं किया जाए तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम फिर अनशन का होगा और हम लोग ये रास्ता भी जाम करेंगे, अनशन करेंगे
और तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को भी वहीं अनशन स्थल पर ही बैठाएंगे कि आप बैठिए सुनिए और देखिए।